शास्त्र वर्णन करता है हमारे यहाँ धनतेरस के दिन की जो पूजन है, उस धनतेरस के दिन की पूजन में आप अपने घर में जितनी भी अब लक्ष्मी की पूजन जब आप करें, दीपावली की पूजन करें, उसमें मुहूर्त देखिए मनाना, मुहूर्त पूछिए मनाना, कोई मुहूर्त लिखा हुआ है उसका स्मरण। धनतेरस की पूजन करने में, रूप चौदस की पूजन करने में, पड़वा की पूजन करने में, दूज की पूजन करने में आपको मुहूर्त की जरूरत नहीं। आप तो प्रदोष काल, शाम का जो प्रदोष काल का समय होता है, उस समय पर बड़े प्रेम के साथ में, आनंद के साथ में, एक सुंदर आनंद से अगर घर में मार्बल या कोटा फर्श वगैरह लगा हो तो कपड़े से ही पोछ लो, और अगर कच्चा मकान हो तो गोबर से थोड़ा सा लीप कर सुंदर आनंद के साथ में, भगवान का जहाँ मंदिर देवालय शिवालय है, बड़े आनंद से आपके घर में जो पूजन का जगह है, उस पूजन के जगह पर थोड़ा सा लीप कर या कपड़ा फेर कर, वह आनंद के साथ एक सुंदर चौक चूर ली और चोक चूर कर उसमें थोड़ा सा चावल दाना या गेहूं का दाना रखकर उस पर एक चौरंग चौकी पाटा जो भी आप रख सकते हो उस पर रखकर एक सुंदर वस्त्र बिछा, वस्त्र बिछाकर एक सुंदर सी थाली में स्वस्तिक कंकु के रोली का एक स्वस्तिक बनाइए, बनाकर उसको थाली के ऊपर, उसको फाटे के ऊपर जो कपड़ा बिछा है उसके ऊपर रख दीजिए। रखकर घर में कोई चांदी का सिक्का हो, चांदी का सिक्का ना हो, चांदी का क्वाइन ना हो, तो अपना जो क्वाइन आता है, एक का सिक्का, दो का सिक्का, जो भी क्वाइन आता है वो रख दीजिए, और रखकर उसको जो मोली आती है लच्छा बांधने वाला, हाथ में बांधने का जो नाड़ा आता है, मोली होती है लच्छा, उससे उसको हल्दी लगाकर लपेट दीजिए, और बाबा को थाली में रखकर सुंदर आनंद के साथ में माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए साथ दिए घी के लंबी बाती, एक दिया तेल, तेल का दिया लक्ष्मी जी के लेफ्ट हैंड पे, जैसे लक्ष्मी जी को जब पूजन करने बैठोगे तो लक्ष्मी जी का मुख आपकी ओर होगा कि नहीं होगा, आप ऐसे बैठे हो तो लक्ष्मी का मुख आपकी ओर, तो दिया आएगा इस ओर, मतलब आप जब पूजन करने बैठोगे तो आपका जो सीधा हाथ होगा लक्ष्मी जी का वो उल्टा, उस उल्टे हाथ की ओर एक तेल का दीप लगाकर लंबी बाती का, और साथ दिए लंबी बाती के घी के आटे के दिए, वो एक प्लेट में थाली में रख लीजिए, पूजन का सामान कंकु चावल रोली मोली हल्दी, हल्दी की गांठ, अमरवेल, कमल गट्टा, खड़ा धना, गुड़, ये सब सामग्री रखकर, कुछ भोग लगाने की सामग्री, कुछ धूप बत्ती आदि इत्र आदि सामग्रियां रखकर, पुष्प आदि रखकर, जो क्वाइन तुमने रखा है, सिक्का तुमने रखा है, सातों दिए सीधे हाथ पर लक्ष्मी, सातों दिए जो तुमने आटे के बनाए हैं उसमें लंबी बत्ती कर सीधे हाथ पर लगाए, उल्टे हाथ पर तेल का दिया जलाकर पूजन की थाली में जो सामग्री रखी है जल का छिटा देकर बड़े प्रेम के साथ वस्त्र समर्पित कर और रोली चंदन मोली हल्दी जो भी है मेहंदी आदि सब सामग्री समर्पित कर पांच कमरबेल के टुकड़े, सात कमलगट्टा, पांच अमरबेल के टुकड़े, सात कमलगट्टा, पांच हल्दी की गठान, ये सब अपने हाथों में लेकर माँ लक्ष्मी से प्रार्थना कर कुबेरेश्वर महादेव से विनती कर शिव की आराधना कर नारायण की आराधना कर दामोदर भगवान की आराधना कर माँ लक्ष्मी की आराधना कर दोनों हाथों से समर्पित कंकु रौली उस सिक्के के ऊपर धीरे धीरे कर डालना, हल्दी धीरे धीरे कर उस पर डालना, और जो साथ दिए आप भोग लगाने के बाद प्रसाद रखने के बाद में फिर जब साथ दिए जो तुमने थाली में लिए हैं प्लेट ले लिए हैं उससे माता लक्ष्मी की आरती, कुबेरेश्वर महादेव का स्मरण कर आरती करिए, आरती रख दो पर आरती को लेना नहीं, आरती भगवान की, भगवान को सुनाओ आरती, झोली पसार कर माता लक्ष्मी से प्रार्थना करिए, माँ मैंने कुबेरेश्वर बाबा से विनय करी है, मैंने कुबेर भंडारी से विनय करी है, माँ आप नारायण के साथ, कुबेर के साथ, रिद्धि सिद्धि के साथ, गणेश जी महाराज के साथ आप मेरे घर में बने, और ये पूजन पांच दिन तक आप जिस जगह पर पहले दिन पूजन कर रहे हो धनतेरस की, जैसे आपने धनतेरस
कुबेरेश्वर धाम की जो धनतेरस है वो 29 तारीख की रहेगी, रूप 14 30 तारीख की रहेगी, दीपावली जम के बोलो 31 तारीख की रहेगी, 31 अक्टूबर, गोवर्धन पूजन 1 नवंबर, ऐसे दो तारीख, ऐसा क्रम सुंदर यहाँ कुबेरेश्वर धाम की धरा पर रहे। तो आप लोग जो पूजन करेंगे 29 तारीख को धनतेरस की प्रदोष काल, कोई समय प्रदोष काल का देखकर बड़े प्रेम से लीप कर, चौकी रखकर बड़े आनंद के साथ में कपड़ा बिछा कर उस पर थाली रखकर सुंदर भाव के साथ धनतेरस की पूजन करो और मेरे कुबेरेश्वर महादेव का स्मरण करो कुछ देर बैठ कर, क्योंकि लक्ष्मी को भी और कुबेर को भी देने वाला अगर कोई है तो वो देव अधिदेव महा देने वाले। शिव महापुराण की कथा कहती है, बाती जो लगाई जाती है दीपावली पर लगाओ, चाहे आप धनतेरस पर लगाओ, चाहे आप रूप चौदस पर लगाओ, चाहे पड़वा पर लगाओ, चाहे दूज पर लगाओ, बाती हमेशा लंबी होना चाहिए, लंबी बाती, चाहे तेल की लगा रहे हो चाहे घी की लगा रहे हो। भाव से वैकुंठ ये सुंदर रूप चौदस की जो पूजन का विधान है, आपको धनतेरस की पूजन का जो विधान बताया था, धनतेरस की पूजन का जैसा विधान था, पहुंचकर पाटे को बिछाकर चौक पूर कर जिस थाली में आपने स्वस्तिक बनाकर जो सिक्का रखा है उसी में एक सिक्का और रखकर उसकी पूजन अर्चना करना है, वैसी की वैसी ही जैसा पहले कल कहा गया, रोली चावल हल्दी मोली मेहंदी सिंदूर आदि सब चढ़ाते हुए और साथ में दो दीप लगेंगे रूप चौदस के दिन, दो दीप, एक दीप है घी का लंबी बत्ती का जो लक्ष्मी जी के सीधे हाथ पर है, दूसरा दीप है घी का दीप भी आटे का आएगा और तेल का दीप भी आटे का है। जो तेल का दीप लगेगा वो थोड़ा सा दिया बड़ा लेना, उसमें चार लंबी लंबी बत्तियां रखना, सरसों का तेल या मीठा तेल या तिल्ली का तेल जो भी मिल जाए उसके अंदर डाल लेना, चार बत्ती ये लक्ष्मी जी के लेफ्ट हैंड की ओर आएगी। उसी आटे का तेल का जो दिया रहेगा उसके अंदर या तो पीली सरसों या काली सरसों, जो राई होती है सरसों होती है, उसके थोड़े से दाने उसमें डाल दिए जाते। लक्ष्मी जी का पूरा पूजन बड़े भाव से करिए, जल का छिटा दीजिए, रोली चावल मोली हल्दी जो भी है आपके पास समर्पित करने के लिए पूजन की थाली में वो समर्पित करिए, मीठे का भोग लगाइए और भोग लगाने के बाद में बड़े प्रेम से 5 कमलगट्टे 5 हल्दी की गठान 5 अमरबेल के टुकड़े, अमरबेल होती है एक लंबी सी बेल पेड़ों पर चलती है पीले कलर की जो कि पूरे पेड़ पर छाई रहती है, उसको कहीं पर भी डाल दिया जाए वो बढ़ती चली जाती है, वो हमारे वंश की वृद्धि के लक्ष्मी की वृद्धि के लिए श्रेष्ठतम मानी जाती है। 5 टुकड़े अमरबेल के 5 हल्दी की गठान 5 कमलगट्टे दोनों हाथ में लेकर मां लक्ष्मी से प्रार्थना करते हुए उन सिक्कों पर समर्पित कर दीजिए। सिक्कों पर समर्पित कर जो घी का दिया लगाया है तुमने लक्ष्मी जी के सीधे हाथ पर, उसको उठाकर माता की आरती कर लीजिए। जो तेल का दिया है घी का दिया वापिस रखकर आरती के बाद में जो तेल का दिया है चार बत्ती वाला जो तुम जला कर रखी हो उसको पूरे घर में घुमाकर रूप चतुर्दशी के दिन, रूप चौदस के दिन, नरक चौदस के दिन पूरे घर में घुमाकर सारे घर के दरवाजे खोलकर बड़े प्रेम से घुमाकर मुख्य द्वार के बीच में जो घर से बाहर निकलने वाला द्वार है उसके ठीक बीचों बीच वो दिया चार बत्ती का रख देना चाहिए, कुछ देर के लिए दरवाजे खुले रखना चाहिए। पूरे घर में माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए दिया रखकर जब वापिस आए माता लक्ष्मी को झोली पसार कर प्रणाम कर कर कहें, माँ हमारे घर में निवास करो, आपका भंडार सदा भरा रहे, खाली ना। ये रूप चतुर्दशी की पूजन का विधान है, ये रूप चतुर्दशी की पूजन का। जो थाली अपने धनतेरस के दिन रखी है उस थाली को आप रात्रि को हटा सकते हो, दूसरे दिन फिर वही थाली रखा जाती है। माता लक्ष्मी का पूजन करते हो दीपावली पर, ऐसा कोई घर नहीं सनातन धर्म में, ऐसा कोई घर नहीं जहां माता लक्ष्मी का पूजन नहीं होता दीपावली में। 31 अक्टूबर को जब आप मां लक्ष्मी का पूजन करोगे, माता लक्ष्मी की जब पूजन करो, जैसी आपके यहां पूजन होती है जैसे आपके पूर्वज करते आए
जैसे आपके घर के ब्राह्मण देवता, जैसे आपके नगर के ब्राह्मण देवता जिस भाव से पूजन कराते हो, ब्राह्मण पूजन कराने आते हो तो ठीक, ना आते हो तो आपके घर में आप स्वयं जैसे माता लक्ष्मी का पूजन करते हो वैसे करो। पर दो दिन जो आपने धनतेरस पर जो सिक्का रखा है थाली में, वैसा कि वैसा ही सिक्का आपने रूप चौदस के दिन थाली में रखा है, वही की वही थाली दीपावली के दिन भी पूजन में, जैसी आप पूजन जमाते हो वैसे की वैसे ही जमाओ, जैसे करते हो वैसे की वैसे ही करो। पर साथ में वो पूजन की थाली एक पाटे पर लाल वस्त्र बिछाकर चौक पूड़ कर बड़े प्रेम से अन्न का दाना रखकर वो थाली वापिस। और दीपावली के दिन भी वैसी की वैसी ही पूजन करना है। आप अपनी पूजन जैसे करते हो वैसा करो, पर साथ में वही कंकु चावल रोली मोली हल्दी सब चढ़ाकर भगवान को बड़े प्रेम से जो सिक्के रखे हैं उन सिक्कों की पूजन वैसी की वैसी करना है जो दो दिन से आप करते हैं। बस इतना याद रखें कि दीपावली के दिन जो आप लक्ष्मी का पूजन करें उसमें लक्ष्मी जी के सीधे हाथ की ओर घी का अखंड दीप लंबी बत्ती का, और लक्ष्मी जी के उल्टे हाथ की तरफ तेल का लंबी बाती का अखंड दीप जलाना, अखंड माता लक्ष्मी का जय। लक्ष्मी जी के उल्टे हाथ पर काय का दिया आएगा, जम के बोलो, तेल का लंबी बाती का, और सीधे हाथ पर काय का आएगा, घी का दिया। दोनों दीप अखंड जलाना है, जो रात्रि को जलें सुबह तक वो जलते रहें ऐसा दीप पर ध्यान देना है, और माता लक्ष्मी की पूजन कर जो सिक्के आपने रखे हैं उस पर 5 या 7 कमलगट्टे, हल्दी की गठान, अमरबेल के टुकड़े। पर इस पूजन में आपको हरी मूंग, खड़ी जो मूंग आती है हरी, उसको भी थोड़ा सा समर्पित करना है, और खड़ा धना और गुड़ की थोड़ी सी डली ये भी समर्पित कर। जो कमल का पुष्प हो, जो पुष्प आपके पास में हो लाल कलर का, वो माता लक्ष्मी को समर्पित करना है। चावल सफेद नहीं, पीले कलकर भगवान माता लक्ष्मी को समर्पित करना। हल्दी और कुंकू माता लक्ष्मी को समर्पित करना है, और माँ को भोग लगाकर बड़े प्रेम से माता की आरती कर झोली पसार कर प्रणाम करना। प्रणाम कर जब आप पूजन पूर्ण हो जाए बड़े प्रेम से आनंद से आप लोग भोजन आदि सब करने के बाद में रात्रि का जो समय रहे दीपावली की रात्रि का 11 बजे के बाद 11:30 से लेकर 12:30 के बीच में प्रयास करना कि किसी भी एक वृक्ष के नीचे, या तो पीपल या बेलपत्र या आंवला, किसी भी एक वृक्ष के नीचे रात्रि के समय पर जाकर एक दीप अवश्य लगाना घी का, और वापिस लौट कर आकर प्रयास करना कि कोई एक सिक्का, कोई भी 1 रुपया 2 रुपया कोई भी घर में चारों तरफ घुमाने के बाद वो सिक्का अपनी अलमारी में, तिजोरी में या दुकान में जिसमें आप रख सकते हो उसको रखना। फिर अगले वर्ष आपसे बात करेंगे कि वो तिजोरी खाली तो नहीं हुई, बाबा ने भंडार भर कर रखा कि उसने भरा कि ना भरा। प्रयास करें लक्ष्मी पूजन का। बस पूजन जैसे करते हो, आपके जैसे ब्राह्मण ने बता दिया, जैसे माता पिता ने बता दिया, जैसे पूर्वजों ने बता दिया, जैसे घर में करते आए हो वैसी की वैसी लक्ष्मी पूजन करो। ज्यादा ढोंग प्रपंच में नहीं पढ़ना, किसी ने कहा ऐसा कर दो ना, किसी ने कहा वैसा कर दो ना, अपने आनंद के साथ आप लक्ष्मी की साधारण पूजन जैसे करते आए हो वैसे की वैसे करो। बस वो सिक्के की पूजन आपको 5 दिन तक करना है। तो दीपावली के दिन कौन सा दिन हो जाएगा, 3रा दिन पूर्ण हो जाएगा। फिर पड़वा के दिन का नियम, फिर दूज के दिन का नियम अभी अपन कथा में सुनेंगे। नियम से धारण कर माता लक्ष्मी का स्मरण करो। कई लोग कहते गुरु जी आपकी दीपावली पूजन बिल्कुल सरल है, एक सिक्का रखना है थाली में, पूजन धनतेरस से चालू करा, रूप चौदस पर करी, रूप चौदस से करी, दीपावली पर पूज लिया और मालूम पड़ा फिर आ गया गोवर्धन पूजन, दीपावली का 2रा दिन, खजाने का दिन, पड़वा का दिन, उस दिन फिर पूजन का विधान। तो हमारा शास्त्र कहता है 2रे दिन जब पूजन करो पांटा जैसा कि लगा रहने दो, जैसा कपड़ा बिछा बिछा रहने दो, जैसी थाली रखी वैसे रखे रहने दो, और गोवर्धन पूजन वाले दिन भगवान गोवर्धन नाथ जी का नाम लेकर माता लक्ष्मी का स्मरण कर फिर 2 दिए लगाना है। 2 दीप अब की बार तेल का दीप नहीं आएगा, दोनों दिए घी के लगेंगे और दोनों ओर लगेंगे, लक्ष्मी जी के सीधे हाथ पर भी और उल्टे हाथ पर भी घी का दिया लगा दो, अखंड नहीं लगेगा, थोड़ी देर के लिए लगाना है, और लगाकर उन्हीं दीप को लगाकर माता का पूजन कर लो। गोवर्धन पूजन वाले दिन, पड़वा के दिन जैसी पूजन रोज करी वैसी की वैसी चंदन रोली मोली हल्दी जो भी है वो चढ़ाकर पूजन करो,
केवल एक कमल गट्टा, एक हल्दी की गठान और एक कमरबिल का टुकड़ा समर्पित कर भाव से प्रेम से भोग लगाकर आरती कर लो। वही दो दिए से जो रखे हैं उन्हीं दो दिए से आरती कर लीजिए और माता को प्रार्थना कर अपने घर में रखिए। फिर माता का स्मरण कर झोली पसार कर प्रणाम करो, माँ तू कृपा करने वाली। ये सारी पूजन जितने दिन की कर रहे हो सब शाम के समय करिए, प्रदोष काल में शाम। दीपावली पूजन का मुहूर्त देख लो, रात का हो तो रात का समय देखकर आराम से करो, पर बाकी की जितनी पूजन चार दिन की सब प्रदोष काल में, सब प्रदोष। और माँ से प्रार्थना कर माता को नमन कर भाव से निवेदन। चार दिन की पूजन हुई गोवर्धन पूजन तक, पांचवा दिन जब यम द्वितीया का आए, दूज का दिन रहे, उस दूज के दिन फिर वही जैसी की जैसी पूजन करते आए हो, जल का कोई स्थान, जल का छीटा, चंदन रोली मोली हल्दी और घी के दो दीप जो लगाए हैं, दोनों दीप वहीं पर सीधे हाथ उल्टे हाथ पर, और कोई कमल कट्टा नहीं चढ़ेगा, कोई हल्दी की गठान नहीं, कोई अमरबेल का टुकड़ा नहीं, जो चढ़ा हुआ है उसी का स्पर्श कर वापिस चढ़ा देना है, वही की भोग लगा देना है। जो सिक्के तुमने रखे हैं उस सिक्के को हाथ में उठाना है, एक हल्दी की गठान, एक कमल गट्टा, एक अमरबेल का टुकड़ा, लाल वस्त्र में उसको बांध कर दिया साथ में लेकर, एक दीप वहीं लगा रहेगा, एक दीप साथ में लेकर जिस अलमारी में तिजोरी में आप रखने के लिए जाएं, उसी अलमारी तिजोरी के साइड में दीप को थोड़ी देर के लिए रखें, अपनी लाकर अलमारी खोलकर वो सिक्का जो पूजन करी है तुमने विराम के दिन की, पांचवें दिन की, यम द्वितीया के दिन की, माता लक्ष्मी से प्रार्थना कर कुबेरेश्वर बाबा का नाम लेकर उसको अलमारी में तिजोरी में रख दो। जो दिया लगाया है उससे वही उसकी आरती उतार कर वापिस उस दिए को अपने रसोई घर में ले जाकर रख दीजिए, और दूसरा जो दिया भगवान के पास लगा हुआ है उसको लगे रहें। कोई दिया अखंड नहीं है, दो पांच मिनट दस मिनट जितनी देर वो जले उतनी देर जले। माता को प्रणाम करो, कुल देवता को प्रणाम करो, अपने घर के पूर्वजों को नमन कर झोली पसार कर प्रणाम कर कहना, बाबा हमने पांच दिन की, हे कुबेरेश्वर बाबा हमने पांच दिन की कुबेर लक्ष्मी पूजन करी है, ऐसा भंडार भरना बाबा कि तेरी कृपा हो और हमारे घर में सुख समृद्धि वैभव हो। ऐसी पांच दिवसीय पूजन है शिव महापुराण के अनुसार लक्ष्मी पूजन के महत्व, लक्ष्मी पूजन के। लक्ष्मी पूजन में प्रसाद फल आदि जो सामग्री रहती है घर के लोगों को प्रसाद के रूप में पाना चाहिए, जो सामग्री आप बाबा को समर्पित करते हो, लक्ष्मी माता को समर्पित करते प्रयास करो।